डियर स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ साइंस के प्रश्न। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। एंटासिड मतलब पेट की अम्लता को दूर करने में ये सहायक पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये एंटासिड का एक मुख्य संघटक इसलिए होता है क्योंकि यह एक क्षारीय पदार्थ है और ये एसिड को उदासीन कर देता है। दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो अभिक्रिया में ठोस, द्रव, गैस और जली विलयन, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनमें ठोस को एस सॉलिड से और द्रव को लिक्विड एल और गैस को जी गैस से और जली विलयन को एक्यू से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन वायु की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है। इसका रिएक्शन है Mg+O2 गिव्स आउट MgO। अगले प्रश्न पर आते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। श्वसन एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जो हमारी सेल्स में लगातार होती रहती है और जिसमें कि ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा निकलती रहती है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बदल जाता है और श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक रासायनिक संतुलित समीकरण दीजिएगा। तो जब एकल उत्पाद बने और दो या दो से अधिक अभिकारक मिले तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2 या इसी टाइप से एक और है CaO+H2O, तो बनेगा CaOH ऑफ होल्डेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस को युक्त किया जाता है, क्यों। तो वसा युक्त जितने चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, तैली खाद्य सामग्री होती है, उसमें उसको जब हम पैक करते हैं थैलियों में तो उन थैलियों में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हटा दिया जाता है और हटाने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे उसमें उपचयन की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं होता है, जिससे जितने भी वसायुक्त या तैली खाद्य सामग्री होती है उसमें बदबू या किसी भी प्रकार की विषाक्तता उत्पन्न नहीं होती है और वो बेकार नहीं होते हैं। तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को इसमें भर देते हैं। अगला प्रश्न है, वसा युक्त अथवा तैली खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उसमें से कौन से गुण आ जाते हैं। तो वो विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब खराब होकर के उनमें गंध आने लगती है, विकृत गंधित। वसा युक्त अथवा तैली खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। तो पहला उपाय भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि नाइट्रोजन गैस को फिल करना चाहिए इनके पैकेटों में, और
ऐसे बर्तन में इनको रखें जो वायुरोधी हो, जिनमें वायु ना पहुंचे, तो उनमें उपचयन की गति को धीमा किया जा सकता है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान सिर्फ द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि H प्लस ओ गिव्स आउट H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ये संयोग करके जल का एक अणु बना रहे हैं, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तो आइए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।